my guests, Dean, especially youth, assalamu alaikum. आज का टॉपिक बड़ा टची है मेरे लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपका ज़्यादा टाइम लूँगी और वेरी सॉरी टू मेल ऑडियंस कि मैं चाहूँगी कि आज के दिन का फ़ायदा उठाकर मैं ज़्यादा हमारी फ़ीमेल के साथ बात करूँ. एक्चुअली विमेन, जब हम कहते हैं औरत, लड़की, हम समझते हैं कि हम किसी तरह से मर्दों से कमतर हैं. हमें जो हमारी प्राइमरी की एक बुक की लेसन है, जिसमें एक परफेक्ट हाउस जो डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बाबा सुबह उठती हैं, मम्मा उठती हैं, और फिर बाबा काम पे चले जाते हैं, मामा पूरा दिन घर का काम करती हैं, एंड फिर वो बच्चे घर वापस आते हैं, मम्मा उनको गर्म खाना देती हैं, फिर खाना देने के बाद फिर वो बच्चों को पढ़ाती हैं, और उसके बाद फिर वो शाम का काम करती हैं. सो इट्स लाइक अ परफेक्ट होम. हम उसमें कहाँ फिट बैठ रहे हैं? मतलब बीइंग अ वुमन, हमें बताया जाता है कि हमारा काम सिर्फ सुबह 6 बजे उठना है, घर के लिए काम घर में करना है जिसे कोई रिकग्नाइज नहीं करेगा, एंड देन फिर ये कहा जाएगा कि रात तक हमारी परफेक्ट मदर, जिसने सब बच्चों को सुला दिया, घर की सफाई करके सो गई, दैट्स कॉल्ड द परफेक्ट लेडी. लेकिन नाउ द टाइम कि हमें डेफिनेशन ये चेंज करनी है. हम किसी भी तरह से, हमें खुद को बताना होगा कि किसी भी तरह से मर्दों से कमतर नहीं है. हम डिफरेंट ज़रूर हैं, जस्ट फिजिकली डिफरेंट, और ये कोई कमी नहीं है. यू रियलाइज योर सेल्फ कि अगर आप फिजिकली डिफरेंट हैं तो ये आपकी कमी नहीं है, ये आपको खुद को बताना है. वुमेन एम्पावरमेंट की बात जब अमेरिका जैसा मुल्क कर रहा है और वो कहते हैं कि अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करें तो इससे रिजॉल्व होने के लिए कम से कम 50 इयर्स चाहिए, तो इट्स मीन द प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती है और पूरे वर्ल्ड में करती है, और इसके लिए हम सबको इस पे काम करना पड़ेगा. लेकिन ये सोचे बगैर कि मदद आसमान से आएगी, ये सोचे बगैर हमें ये सोचना होगा कि मदद हमारे अंदर से शुरू होगी. हमें रिस्पेक्ट खुद को देनी पड़ेगी. जब तक बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमेन, हम खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हजरात हमें रिस्पेक्ट देंगे? वो हमारी प्रेजेंस कैसे मान सकते हैं जब हम कह रहे हैं कि हमें वर्ड बिचारी, मासूम, मजलूम, दीज आर नॉट योर तारीफ. ये सुनकर हमें खुश हो जाते हैं. जब तक हमारा ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, तब तक हम इस मुआशरे की कामयाब औरत नहीं बन सकते. तब तक किसी भी तरह से इस मुल्क के लिए हम कारामद नहीं बन सकते. वी आर द 50%. सब हजरात को कहूंगी कि हम 50% हैं, चाहे हम एग्री करते हैं या नहीं करते इस काउंटिंग से. बियॉन्ड दैट हम 50% हैं. और अगर ये समझा जाता है कि 50% को बगैर किसी प्लानिंग में इन्वॉल्व किए, बगैर किसी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किए, आप इस मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इट्स ओनली दीवाने का ख्वाब. आपको औरत को इन्वॉल्व करना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग में, आपको औरत को एम्पावर करना पड़ेगा. अगर आप पूरी बॉडी को मूव करना चाहते हो और आपकी हाफ बॉडी पैरालाइज है, तो आप वो परफॉर्म नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हो. सो वी आर द 50% ऑफ बॉडी, वी आर द 50% ऑफ कंट्री, वी आर द 50% ऑफ पावर ऑफ कंट्री. सो लेडीज, यू शुड रियलाइज योर सेल्फ, यू शुड रियलाइज योर पावर. अगेन आई से वी आर जस्ट डिफरेंट. अभी हम जहाँ खड़े हैं, डॉक्टर साहब ने बता दिया एक्स वाई जो साइज है, हम ज़्यादा मेंटली पावरफुल है. अगर हम डिफरेंट हैं तो हम फिजिकली डिफरेंट हैं,
और अभी जिस जगह पे हम मौजूद हैं, जिस टाइम में हम ग्रो कर रहे हैं, वहाँ कोई 50 किलो वजन उठाने की बात नहीं हो रही। हम उस वर्ल्ड में हैं, हम उस पार्ट में हैं जहाँ एटम बम भी सिर्फ उंगली से चलाया जाता है। सो कहाँ से हम कमतर हो गए, कहाँ से वो जो 50-100 साल पहले जो जिस बात पे औरत को कमतर कहा जाता था कि ठीक है मर्द पूरा दिन फिजिकली मेहनत कर सकता है औरत नहीं कर सकती, वो तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। और अब यहाँ आईटी फैकल्टी में हम बैठ के अगर ये बात डिस्कस करें कि हम किस तरह से डिफरेंट हैं, तो मेरे ख्याल है कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। आपको रियलाइज करना पड़ेगा और रियलाइज करवाना पड़ेगा। चैलेंजेस हर जगह पे हैं। मैडम आपकी जो स्पीकर्स थी, अगर वो लाइफ में इतना आगे जा चुकी हैं तो क्या उनके लिए चैलेंजेस नहीं हैं? मैं बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, क्या विमेन होने की वजह से मेरे लिए चैलेंजेस नहीं हैं? मैडम बीइंग अ वाइस चांसलर, क्या आपको बीइंग अ विमेन चैलेंजेस को फेस नहीं करना पड़ता? लेकिन हम ज्यादा पावरफुल हैं। हम उस मुआशरे में रहते हैं जहां मिस्टर डॉक्टर और मिसेस डॉक्टर सुबह एक साथ निकलते हैं, लेकिन जब मिस्टर डॉक्टर और मिसेस डॉक्टर घर में आते हैं तो मिस्टर डॉक्टर रिमोट लेकर सोफे पे बैठ जाते हैं और मिसेस डॉक्टर बच्चों को भी देखती हैं, खाना भी देखती हैं, दूसरे दिन की रूटीन भी देखती हैं, घर को भी देखती हैं। सो फील दैट कि पावरफुल कौन है? अगर हमारी बच्ची इन्वेस्ट करना जा रही है, बिजनेस में काम करना जा रही है, तो हमारे लिए ये सब चीजें माफ नहीं हो जाती। आइदर हम कहीं भी काम कर रहे हो तो हमारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 18 साल के बाद बच्चा बाप का हो जाता है, उससे पहले सिर्फ माँ का होता है, फिर बच्चा बाप ऑन करता है कि अब ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, तब तक माँ को ही, तुम्हारे बच्चे तुम संभालो, ठीक है। इसके अलावा घर में फैमिली के मैटर, वो सब हमें देखने हैं। हमारे मर्द उसको गिल्ट फील नहीं करते, वो कहते ये तो आपका काम है। और सबसे मुश्किल उन औरतों के लिए जो बेचारी सुबह से लेकर शाम तक घर में काम कर रही है और हस्बैंड आके कहता है तुम तो घर में ही बैठी थी ना, मैं तो काम पे गया था। सो बात करेंगे, बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं इस पर पूरा दिन बोल सकती हूँ कि आप लोगों को अपने लिए खुद जब तक आप खड़ी नहीं होंगी और ये नहीं सोचेंगी कि आप किसी तरह से कम नहीं हैं, तब तक ना तो आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगी, ना ही आप घर से बाहर निकल के कोई काम कर सकेंगे, ना इस सिस्टम के लिए, ना कंट्री के लिए आप कुछ कर सकेंगे। जहाँ तक लेजिस्लेशन है, सिंध गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन वुमेन्स पे की है, चाहे वो वर्क प्लेस हरासमेंट हो, चाहे आपकी जहाँ आप काम करती हैं औरतें वहाँ डे केयर इस्टेब्लिश करना हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चियाँ पढ़ती हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हो, तो पूरे पाकिस्तान में इट्स रिकग्नाइज के सिंध गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन वुमेन ओरिएंटेड की है। लेकिन हम लेजिस्लेशन कर सकते हैं, अमल आपने करना है, अमल आपने करवाना है, अवेयरनेस आपने फैलानी है, वरना ये कानून सिर्फ किताबों की चंद लाइनों के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। आपको खुद को रियलाइज करना है, बताना है कि हरासमेंट किस तरह की हो सकती है। सिंध गवर्नमेंट अभी आईटी डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैं खुद मौजूद हूँ, मेरी प्रायोरिटी विमेन है और मैं चाहती हूँ विमेन डेवलपमेंट पे कुछ काम करूँ, इसलिए अभी हम जो ब्रेस ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि औरतें या हमारी यूथ जो है वो तब तक कुछ नहीं कर सकती एंटरप्रेन्योरशिप में जब तक उन्हें आईटी की नॉलेज ना हो। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, इंशाल्लाह मई तक हम उसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। दैट्स कॉल्ड द ब्रिज प्रोग्राम, बिकॉज वी रियलाइज कि हमारा यूथ बड़ा टैलेंटेड है, स्पेशली वुमेन, और हमारी इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है टेक्निकल पर्सन, बट यहाँ पे कमी हमें कनेक्टिविटी की लगी कि एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए जो यूथ के
और हमारे जो इंडस्ट्री है उसके बीच में कनेक्ट ब्रिज का काम करे। सो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ब्रिज प्रोग्राम, जिसमें हम जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंक्लूडिंग सिंध यूनिवर्सिटी में भी हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो बच्चे सिक्स और सेवन सेमेस्टर में हैं उनको हम ट्रेन करेंगे, मेटावर्स लेवल की ट्रेनिंग देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, आप जो लोग इंटरेस्टेड हैं आप फॉर्म फिल करेंगे, आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, फिर सिंध गवर्नमेंट आपको उस ट्रेनिंग का पार्ट बना लेगी और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कम्प्लीटली। आपका मेटावर्स आपका हो गया, आपका जो भी जावा स्क्रिप्टिंग है आप इस पर काम करना चाहते हैं, आप जो इस टाइम की डिमांड है उसको मीट करने के लिए, क्योंकि मैं खुद इसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। जब मैं यहाँ पढ़ती थी, हमारा कोर्स मेरा फाइनल की डिग्री पे सी लास्ट जो है वो अपडेटेड लिखा हुआ है, लेकिन उस टाइम मैं जावा स्क्रिप्ट में भी काम कर रही थी मार्केट पे, लेकिन हमारे बहुत से दोस्त थे जो करना चाहते थे लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से एक ही टाइम पे गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशन को नहीं सपोर्ट कर सकते थे। इसलिए मुझे लगा कि वो स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम वो कुछ पढ़ें जो मार्केट में पढ़वाया जा रहा है या जो इंडस्ट्री की डिमांड है, इसके लिए हम हर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ब्रिज ट्रेनिंग शुरू करवाने जा रहे हैं स्टार्टिंग विद मई, और इसमें आपके जो भी 6th, 7th, 8th सेमेस्टर के बच्चे हैं वो उसमें इंट्रोड्यूस हो सकेंगे, आप सब लोग जो इनरोल रजिस्टर होंगे। एंड देन सेकेंड, ये एक तो ये हमें लगा वो यूथ जो कि यूनिवर्सिटीज में मौजूद है, देन एक और लॉट है वो लोग जो यूनिवर्सिटी से बाहर हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन मिडिल टू इंटर है या वॉट एवर मास्टर्स है, लेकिन वो इस पूरे सिस्टम से आउट हो चुके हैं, टेक्निकल वर्ड से आउट हो चुके हैं। अब उन्हें मीट करवाने के लिए हम हर डिवीजन में सिंध गवर्नमेंट अपने ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रही है, जिसमें उनको हम इस तरह से ट्रेन करेंगे कि अभी वो जो काम कर रहे हैं उसको कैसे टेक्निकली इस तरह से मॉडर्नाइज किया जाए कि वो यूज़फुल हो सके, वो जो लोग वो टेक्निकल पर्सन जो साइलोज में चले गए हैं वो किस तरह से आगे जाके पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए, अपने डिविजन्स के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंट जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है सच को हम नहीं इधर उधर कर सकते, क्योंकि वो मानना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड वाइड जो कंडीशन हो रही है इसमें सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू आप इस क्राइसिस से निकल सकते हैं हम, और अगर आईटी का प्रॉपर यूज़ करें, हम कहते हैं हम 60% यूथ को जब होल्ड कर रहे हैं तो इस 60% यूथ को अगर हम प्रॉपरली अभी यूज़ करेंगे फिर तो बेहतर है, अगर ये टाइम निकल गया तो ये नेशन के लिए लायबिलिटी बन जाएगी और इसके लिए हमें शायद जनरेशन माफ नहीं करेंगी। सो हम चाहेंगे कि सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे अपना जितना हो सके खर्च करे, और इसके लिए हमें आप सबका साथ चाहिए होगा। हमारे सिंध गवर्नमेंट के हर प्रोजेक्ट हर प्रोग्राम में लिखा जाता है कि प्रायोरिटी टू वुमेन, क्योंकि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करती हूँ जिसकी लीडर वुमेन है, तो जो चाहे उसको पसंद करे ना करे लेकिन मोहतरमा को ज़रूर इस तरह से एडमायर ज़रूर करेगा कि शी इज़ अ ग्रेट लेडी, और उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में पहचान दी है, औरतों को हमें एक विजन दिया है। जब मोहतरमा 3 बच्चे रखने के बावजूद अपनी इंटरनेशनली पहचान बना सकती हैं, उनके बच्चे कहते हैं हमारी मदर से बेहतर औरत नहीं थी, तो हम और आप क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया।